कुछ नहीं दिख रहा। आओ जी आओ जी आओ। वधिया जी वधिया। हुण पहुंचे ने हैं। पढ़ लो सोनिया नूं। ऐसा अपना करो। सोनिया जी मेरा बदला लो इससे। सात जगह निशान साहब लग गए हैं। हर साल ऐनी के लग गए लग गए। तो दोनों जगह का अलग अलग इतिहास है। हिंदू सिख भाईचारे का प्रतीक है ये स्थान। इनको देख के और इनको देख के समझ ही गए होगे मैं कहाँ पे हूँ। ये है हेमकुंड साहब गुरुद्वारा और वो है लक्ष्मण मंदिर हेमकुंड साहब में ही। तो इस समय मैं हेमकुंड साहब में हूँ। हेमकुंड साहब की यात्रा के पार्ट्स चल रहे हैं, एक सीरीज चल रही है हेमकुंड साहब की यात्रा पे। मैं आया हुआ हूँ दिल्ली से। हम 9 लड़के 8 बाइक्स पे आए हुए हैं। तो नहीं देखे तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वेलकम है नए पार्ट में। तो वड्यानु राम राम छोटियानु प्यार। हाजी राम तुहाडे सामने फिर तो एक बार। मैं आपका जतिन और आप देख रहे हो जतिन सचदेवा व्लॉग्स चैनल। तो आई होप आप सब बढ़िया होगे, मौज ले रहे होगे। और जिन्होंने पिछले पार्ट्स देखे हैं, पिछले व्लॉग्स देखे हैं, तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो ये सरोवर है। सरोवर का पानी ही ऐसे बहता हुआ वहाँ नीचे झरने के रूप में पहाड़ से नीचे गिर रहा है। और मौसम यहाँ पे धूप निकली हुई है, इस वजह से थोड़ी कम लग रही है ठंड, वरना जो टेम्परेचर है वो 7-8 डिग्री के अराउंड है। तभी जैकेट वगैरह सब पहन रखी है, मोटी जैकेट है ये। हेमकुंड साहब गुरुद्वारे के दर्शन और लक्ष्मण मंदिर के दर्शन वो मैंने पिछले व्लॉग में दिखा दिए हैं। नहीं देखा तो देख सकते हो ये व्लॉग देखने के बाद। तो इस व्लॉग में मैं आपको हेमकुंड साहब गुरुद्वारे से नीचे गोविंद घाट तक की यात्रा दिखाऊंगा। एक ही दिन में हमने 9 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर कितने हुए, 16 किलोमीटर हमने एक ही दिन में कवर कर लेना। तो ये मेरे बाकी साथी लक्ष्मण मंदिर जा रहे हैं। मैं तो दर्शन कर आया, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखा भी दिया था। तो बिल्कुल साथ साथ ही है, ये लक्ष्मण मंदिर है, ये गुरुद्वारा है। तो दोनों का अलग अलग इतिहास है। यहाँ पे लक्ष्मण जी ने जब रावण के बेटे मेघनाथ को मारा था तो अपनी शक्तियाँ वापस पाने के लिए ध्यान लगाया था। और उससे पहले वाले युग में शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी ने यहाँ पे ध्यान लगाया था। और गुरुद्वारे में कहा जाता है जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के पिछले जन्म में दुष्ट दमन नाम से यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे और यहाँ पे ध्यान साधना करी थी। तो दोनों जगह का अलग अलग इतिहास है। हिंदू सिख भाईचारे का प्रतीक है ये स्थान। दोनों का एक ही सरोवर है। इसको लक्ष्मण झील भी कहा जाता है, लोकपाल एरिया कहा जाता है, इसको सरोवर कहा जाता है गुरुद्वारे में। सर कितनी आवाज सुनी थी? हाँ मम्मी, मम्मी में बहुत परेशान है। तुझे पापा नू तैयार करो, दिल्ली आके किसी दे घर जाना है। उन्हें जीना मन आराम पापा मेरा, सच कह रहा मम्मी। मम्मी बड़ी याद आ रही है, लव यू मम्मी। किसी शक्ति का आवाज हो गया मतलब है। हाँ है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। असि नहीं कहते पंजाबी पर जो जो बंदा आंदा दे कैन फील इट, मतलब दे एक्सपीरियंस दीस थिंग्स कि नहीं भैया बहुत पॉजिटिव वाइब। पहले जो लुक है वो दस दे सी ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ? ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸੱਤ ਚੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਆਰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਦ ਬਰਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੱਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਕੋ ਸਾਤੋਂ ਦਿਖ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ। ਦਿਖੇ ਜੀ ਸਾਤੋਂ, ਹਮੇ ਵੀ ਦਿਖੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਾਲੀ ਅਬ ਤੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਪੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਕੇ ਸਾਥ ਦੋ, तीन इधर, चार इधर, पांच उधर है, छह इधर है, सात उधर है, पूरे सात दिखे हमें। सही है, किस्मत वाले हो यार आप तो। अब आपको देख लो वो लोग कहाँ खड़े हैं, वो देखो। ऊपर भाई देखो ना, पहले अब पहले ड्रोन उड़ा लेते थे ब्लॉगर्स, स्पेशल मना करते हैं नो ड्रोन, क्योंकि चाइना का भी पास ही है ना यहाँ पे। हाँ जी, जूते वगैरह पा लिए, अब निकलने को तैयार हैं। यहाँ से दर्शन कर लिए, खुले दर्शन हुए। वैसे भी दोपहर को 2 बजे के बाद यहाँ पे रुकने नहीं देते, फटाफट नीचे भेजते हैं क्योंकि मौसम कभी ख़राब हो सकता है ना। तो अब चलते हैं यहाँ से बाबा जी मेहरकरण। जैसे उस तरफ लक्कड़ का फर्श है ना,
यहाँ पे भी पूरा लकड़ का फर्श बन रहा है। तो अपने ये पैदल ही अपने तीन साथी घोड़े से जा रहे हैं। पढ़ लो सोनिया नूं ऐसा अपना करो। मोनी और उतर गए ना थले, मोनी और उतर गए, आ जाने उतरे आओ, पहुंचे ही नहीं वो इतने ही ने। एनू दिखा दा वो वीडियो सोनिया नू, सोनिया हमारा एक साथी अब आया भाई साहब। पाजी आए ने पूरा पैदल चल के, असली भक्ति तो तुसी कीती है यार, असी तो खचरां ते आ गए। आओ जी आओ जी आओ, वधिया जी वधिया, हुण पहुंचे ने हैं माता जी, ओ भी आ रहे ने इत्थे पहुंचा, इधर पहुंचते पहुंचते सब अपने अपने पे हो जाते हैं। बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है जो ये पैदल चढ़ के आए हैं। बादल देखो, अब मौसम एकदम बदल गया, कोई चोटी वोटी कुछ नहीं दिख रही। यहाँ पे कितने बड़े बड़े पहाड़ थे, सब गायब, ये यहाँ तक बादल उड़ रहे हैं, यहाँ तक। वीडियो में पता नहीं दिख रहे हैं आपको कि नहीं, इस समय ठंड हो चुकी है पूरी। बाकी ये देखो ये उड़ रहे, हमारे बाकी साथी आ जाएं, हम पांच जने अब पैदल उतरेंगे, बस उनका ही वेट कर रहे हैं, मत्था टेकने गए हैं अंदर, आए तो चलें, ठंड हो चुकी है पूरी दबा के। हाँ जी, सुबह का देखा था ना सरोवर का नज़ारा, अब देखो जहाँ पे हमने स्नान करा था। मैं अब कैमरा मोड़ रहा हूँ और देखो आप, ये देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ थे यहाँ। कुछ नहीं दिख रहा, हाँ जी दोपहर के हो चुके हैं 1:15, अब उतरने को तैयार हैं, अब स्टार्ट हुए हैं। पहले जब हमारे चार बंदे गए तब नहीं उतरे, अरदास करी, उसके बाद अब निकलने को तैयार है। अब मौसम देखो आप, बादल ही बादल, इतना ठंडा मौसम हो चुका है इस समय, मुंह से भी पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। देख रहे हो मौसम, चारों तरफ बादल ही बादल, नहीं तो कैसे पहाड़ धूप थी। और देखो अभी आपको दिखाया, अभी 5 मिनट भी नहीं बीते, 2 मिनटों के अंदर पहाड़ दिखने लग गए, वो बादल उड़ते हुए जा रहे ऊपर। तो यहाँ पे वही है, कुछ नहीं पता वेदर का, कब बारिश आ जाए, कब बर्फ पड़ जाए, कब धूप निकल आए। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत उतर आए हैं, झरना देखो आप, ये सारा सरोवर का पानी, ग्लेशियर का पानी, मतलब सरोवर में भी ग्लेशियर का ही पानी जा रहा था, तभी तो इतना ठंडा है पानी। नज़ारे चेक कर लो, नज़ारे ही नज़ारे हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े। भैया ही गिर गए घोड़े से, तभी वापसी का घोड़ा मैंने नहीं करा जी, खतरे से खाली नहीं है घोड़ा, खतरा है घोड़े में तो उतराई में, तभी तो उतराई का करा नहीं भाई।
चढ़ाई देखो, तो इतनी उतराई पे इट्स नॉट सेफ। हाँ जी, तो 6 किलोमीटर बस होने ही वाले हैं, 500 मीटर रह गए 6 किलोमीटर में से, मतलब 5.5 किलोमीटर चल के आ चुके हैं नीचे। इसी में हालत ख़राब हो गई है, इतनी जैसे खड़ी चढ़ाई थी तो अब खड़ी ढलान है, तो ब्रेक के फेल हो गई हैं ब्रेक के गर्म हो गई हैं गोड्डों में, गोड्डों के नीचे जो गिट्टे होते हैं, पंजाबी में गिट्टे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, उनमें दर्द होने लग गई है। और बारिश भी आ गई है, ये देखो ये जो पैटर्न बन रहे हैं ये बूंदों के, ऊपर भी बादल आ चुके हैं। हम सोच रहे थे आगे से हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की टिकट लेते हैं और हेलीकॉप्टर से 10 मिनट में नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन मौसम भी कह रहा है ऐसे कैसे, अब थको पूरी। अभी भी यहाँ से अगर हम रेगुलर भी चलें तो रात के 9-10 बजे पहुँचेंगे, समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। घोड़े करते हैं तो वो रिस्की है ढलान में, हेलीकॉप्टर चलेगा नहीं मौसम ख़राब है, पैदल चला नहीं जा रहा तो ये आ गया गगरिया, जहाँ पे सुबह घोड़े लिए थे ना वो वाला पॉइंट आने वाला है, यहीं पे हम रात को स्टे करा था पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। ये एक बेस पॉइंट है हेमकुंड साहब का, मतलब मिडल बेस पॉइंट है, सबसे बेस पॉइंट तो गोविंद घाट है, फिर ये गोविंद धाम। हाँ जी, अब पहुंच गए हैं गगरिया, पाजी भी मिल गए हैं, अब यहाँ पे समोसे बन रहे हैं, समोसे खाते हैं। ये आ गए दूसरे भी, शक्लां देख लो, शक्लां सारे भी शक्लां देख लो। ये जो चटनी है ना लाल वाली, लोकल सी है, टमाटर टमूटर की, बढ़िया। एक समोसा और दे देना, एक और मंगा लिया, इतना बढ़िया लगा। हूँ अंकल जी की हाल ने, हूँ लग रहा है फर्क लग रहा है ब्रेकां गर्म हो गई ने, साढ़े तुक रहे ने, तुहाडे ते बनदे ने, फिर साढ़े बुरे हाल हो रहे ने। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो कल रात को जब मैंने आपको, कल शाम को जब मैंने बताया था कि गगरिया पहुंचने वाले हैं, जब बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ बताता हूँ अभी। उसके बाद हमने नाइट स्टे यहीं कर लिया था गगरिया में, तो ये दूसरा होटल लिया था, ये 2 डबल बेड लगे हुए थे, 5 जने थे हम, 1 पे 3 सो गए, 1 पे 2। तो हम निकले हैं, सुबह के हो रहे हैं 5:45। ये गगरिया का गुरुद्वारा है, उसके सामने ये वाला होटल है, गुरु प्रसाद रेस्टोरेंट एंड होटल। गोविंद धाम, अब गोविंद घाट तक जाना है जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है। पैदल जाते हैं तो लगेंगे 5 से 6 घंटे और ये घोड़ों पे जाते हैं तो लगेंगे 2.5 घंटे, और हेलीकॉप्टर भी चालू है, मौसम साफ है, उसमें 5 मिनट लगेंगे जाना है। एक बंदा कह रहा है घोड़ों पे जाना, एक बंदा कह रहा है बीच रास्ते पे मैंने पैदल जाना है तो कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा हमारा अभी। तो कल शाम को हम 5 जने इकट्ठे थे, 4 जने तो घोड़ा करके चले गए नीचे, वो निकल भी गए हैं दिल्ली के लिए, तो हम 5ों की हालत ख़राब हो चुकी थी, सिर्फ मेरी नहीं, सबको ही थकावट हो गई थी। तो सब ने डिसाइड करा
कि अपना कमरा लेके रहते हैं, क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, हेलीकॉप्टर चलना नहीं था, घोड़ों पे फिसलन हो जानी थी, तो फिर हमने कमरा लिया जो आपको मैंने दिखाया और एक गोली खाई, उससे थोड़ा रिलीफ मिला। यहाँ के केमिस्ट से ही ली थी। आप भी कभी आओ या कभी वैष्णो देवी वगैरह जाना हो तो ये गोली खा लेना, पेन किलर ही होगी मेरे ख्याल से। हमने दूसरी गोली डिमांड करी थी लेकिन केमिस्ट ने कहा ये ज़्यादा बड़ी है, ये खाओ, और वो सच में बड़ी है ये। तो हेलीपैड तो ये सामने आ गया, ये HH लिखा हुआ है ना, हेलीपैड तो आ चुका है। अब देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। कल रात को इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि व्लॉगिंग करने का मन ही नहीं करा, तो इसलिए कमरा लिए, डिनर वगैरह किया, टैबलेट खाई और सो गए बस। अब जा रहे हैं जी हेलीपैड पे, देखते हैं टिकट्स मिलती हैं। दो बंदे तो हमारे चले गए पैदल, हम तीन बजे, अंकल जी मैं पाजी, देखते हैं मिल जाती है तो इससे, वरना फिर खच्चर तो है ही है। अंकल जी का हो गया, ये पाजी का हो गया, मेरा स्पेलिंग देखो क्या लिखी है, डबल टी, अनपढ़ बैठे। अंकल जी का वेट है 69, 80 किलो, मैं सब तो मोटा 82। यहाँ पे कैश होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हो 2% एक्स्ट्रा, जितने भी आप लोग हो उस हिसाब से जो टोटल अमाउंट है उसका 2% एक्स्ट्रा। कितना टोटल लगा है हमारा कैश? 89875। चलो हेलीकॉप्टर दे भी मजे लीए, 5 मिनट इच थल्ले। हेलीपैड से हम पड़ गए गलत रास्ते पे, हाईवे वाले पे, 1 किलोमीटर के लमसम पैदल चल के अब ये उतराई करनी है। ये भी आधा किलोमीटर होएगा कम से कम। ये आ चुके हैं जी पुल पे जहाँ से हम गए थे उस दिन रजिस्ट्रेशन करवा के। अब चलते हैं गुरुद्वारे में और जाके नहाते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। ये आ गए जी गुरुद्वारे में। ये देखो ये कितने पत्थर हैं, तो नीचे गोविंद घाट में आ चुके हैं। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। अब नहा धो के रेडी हो चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं। जो दो बंदे हमारे पैदल आ रहे हैं वो अभी आए नहीं, वो आ जाएं फिर वो फ्रेश वगैरह होंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। वो आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा मैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।